हेलो, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ओके क्रेडिट में। मैं आपके साथ तमन्ना एक बार फिर से आपके लेकर आई हूँ एक नया बिजनेस आइडिया। फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा बहुत फैशन की नॉलेज रखते हैं, आपको टेक्सटाइल बिजनेस के बारे में थोड़ा सा पता है, या फिर आप कुछ ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो कपड़ों से रिलेटेड हो, तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप प्रिंटेड टी शर्ट्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंटेड टी शर्ट्स आजकल बहुत ट्रेंड में है। आप कोई भी कोट उस पर लिखवा सकते हैं, या फिर कोई प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर आपको किसी को गिफ्ट करना है तो उस रिलेशनशिप के ऊपर आप कोई कोट लिखवा सकते हैं, जिसको हम स्लोगन टी शर्ट्स भी बोलते हैं। तो आप इस तरह के टी शर्ट्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज इसके बारे में तमाम चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर आपके पास कोई आइडिया है तो आप वो आइडिया भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से आप प्रिंटेड टी शर्ट्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। प्रिंटेड टी शर्ट बिजनेस में होने वाला निवेश। इस बिजनेस की खास बात यह है कि इस बिजनेस को आप बेहद कम लागत में शुरू कर सकते हैं, यानी कि आप इस बिजनेस को 50,000 से लेकर 80,000 तक शुरू कर सकते हैं। ये रकम यहाँ पर एवरेज बिजनेस के लिए बताई गई है। अगर आप बेहद छोटे स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तो आप और भी कम निवेश में शुरू कर सकते हैं। यदि आप बहुत बड़े स्तर पर यानी कि एक बड़ी सी शॉप या स्टोर लेकर शुरू करना चाहते हैं तो ये लागत लाखों में जा सकती है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस को किस स्तर पर शुरू करते हैं और आपका बजट कितना है, लेकिन आप एक सामान्य स्तर पर इस बिजनेस को 50,000 से लेकर 80,000 तक शुरू कर सकते हैं। कम लागत वाला छोटा बिजनेस बड़ा मुनाफा। जानकारों के अनुसार कपड़ों को प्रिंट करने वाली कपड़ों की एक सामान्य प्रिंटिंग मशीन लगभग 50 से 70,000 रुपए तक में आ जाती है। आप इस मशीन को खरीदकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। प्रिंटेड टी शर्ट की कीमत और बचत। यदि आप प्रिंटेड करने के लिए एक सामान्य क्वालिटी की व्हाइट टी शर्ट लेते हैं, उस टी शर्ट की कीमत मान लीजिए 120 रुपए है। प्रिंटिंग कॉस्ट लगभग 1 से 12 रुपए के बीच आएगी। आप उसे कम से कम 250 से 300 रुपए में बेच सकते हैं। इस तरह आप हर टी शर्ट में अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। यदि आपके कपड़े और डिजाइन की क्वालिटी अच्छी है तो ये बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कर सकता है। अन्य लोगों की तरह आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जा सकते हैं। प्रमोशन के साथ साथ आप ऑनलाइन ऑर्डर भी ले सकते हैं। सोशल मीडिया ये आपके बिजनेस की मार्केटिंग के लिए एक अच्छा विकल्प है। इसमें बहुत अधिक खर्च भी नहीं आएगा। ऑनलाइन लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद सकें, ट्रस्ट कर सकें आपकी क्वालिटी पर। इसके लिए आपको अपना एक ब्रांड बनाना होगा और अपने प्रोडक्ट को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए बेचना होगा। वेबसाइट बनाकर भी कर सकते हैं बिजनेस। यदि आप अपनी शॉप अच्छे से चला लेते हैं, अपने बिजनेस की सभी बारीकियों से वाकिफ हो जाते हैं, तो आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन भी ले आ सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन बिजनेस ले जाने का मतलब है कि आप अपनी शॉप को अपने ब्रांडेड नेम से वेबसाइट बनाकर लोगों तक ले जाना। लेकिन इससे पहले आपको काफी कुछ करना होगा, जैसे कि ब्रांडिंग नेम, अच्छी क्वालिटी में ब्रांड बनाना, अपने शहर से पहले शुरू करना आदि। याद रखें, बिजनेस में एक बार अगर नाम खराब हुआ तो ये हमेशा के लिए आपके बिजनेस को प्रभावित करता रहेगा। इसलिए शुरू से ही क्वालिटी पर ध्यान दें। ऑटोमेटिक मशीन से दो गुना करें प्रोडक्शन। आप इस बिजनेस की ग्रोथ के लिए महंगी मशीन का उपयोग कर सकते हैं। इससे बेहतर क्वालिटी और अधिक संख्या में टी शर्ट प्रिंटिंग हो सकती है। बता दें कि सबसे सस्ती मशीन मैनुअल होती है। इससे एक टी शर्ट लगभग 1 मिनट में तैयार हो जाती है। इसलिए कम समय में अच्छी क्वालिटी वाला काम हो तो और क्या चाहिए। तो आप अपना निवेश बढ़ाकर अच्छी मशीन ले सकते हैं जो आपके बिजनेस के भविष्य को उज्जवल कर सके। प्रॉफिट कितना होगा। छोटे और सामान्य स्तर पर इस बिजनेस को करने में आप हर महीने इस बिजनेस से 30 से 40,000 रुपए कमा सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब हो गए तो अपने निवेश को बढ़ाकर बिजनेस का दायरा बढ़ा सकते हैं। एक ब्रांड बनने के बाद आप लाखों में कमा सकते हैं और अपने बिजनेस को हर जगह फैला सकते हैं। तो ये तमाम पहलू हमने आपको बता दिए कि किस तरह से आप एक स्टार्टअप दे सकते हैं इस बिजनेस को, और आप कितनी लागत में और फिर कितने समय बाद आपको प्रॉफिट आना शुरू हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बाकी के तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और एक बार फिर से सब्सक्राइब कीजिए हमारे ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।